और जिस प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन टेक्नोलॉजी का पार्ट अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदया क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है, हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेस वे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस वे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेस वे दें, लेकिन जो पखनपुरा जो आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेस वे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेस वे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है, आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेस वे दिया हो? कोई एक्सप्रेस वे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेस वे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेस वे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेस वे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस वे है ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से, कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए।